नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से दो कंफ्यूजिंग शब्दों को लेकर के चलेंगे। जो पहला शब्द है वह है कंटिन्यूअल और दूसरा जो शब्द है वह है कंटिन्यूअस। किंतु आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लें कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, इन दोनों में समानताएं क्या है। तो दोस्तों, जो कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस जो शब्द है, ये दोनों एक ही बेस वर्ड कंटिन्यू से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है जारी रखना। ये हुई पहली समानता। और दूसरी जो समानता है कि ये दोनों ही शब्द विशेषण है, क्योंकि दोनों ही शब्दों में एडजेक्टिव सफिक्सेस का प्रयोग हुआ है। तो ये एडजेक्टिव सफिक्स कौन कौन है? कंटिन्यूअल शब्द में जो सफिक्स का प्रयोग हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह है अल। मोस्ट जो एडजेक्टिव्स है जिसमें ए एल लगा हुआ है, तो वे एडजेक्टिव्स ही होंगे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। और जो दूसरा जो शब्द है वो कंटिन्यूअस है, और वो कंटिन्यूअस में जो प्रत्यय या सफिक्स प्रयोग हुआ है वह है अस, ओ यू एस। और जितने भी ऐसे एडजेक्टिव्स जिसका अंत ओ यू एस से हुआ है, तो वे सारे के सारे एडजेक्टिव से ही हो गए। ये हुआ दोनों में सिमिलैरिटीज। और अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों, कंटिन्यूअल जो शब्द है वह अपने साथ जो मीनिंग रखे हुए है वह है रुक रुक कर होने वाला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंट या ओकेजनल या स्पैसमोडिक। हम लोग इस पर जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यूअल बॉम्बार्डमेंट्स चल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि बॉम्बार्डमेंट्स आर गोइंग ऑन एट द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा जो यूसेज हो सकता है इस तरह से कि उस एरिया में कंटिन्यूअल बारिश हो रही है। कहने का मतलब रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी बारिश हो रही है फिर कुछ देर के लिए वो थम रही है। तो इस तरह की बारिश को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअल रेन। अब दोस्तों, चलते हैं कंटिन्यूअस पर, कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ ले कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है नॉन स्टॉप, मतलब बिना रुके हुए। और कंटिन्यूअस रेन के कारण से ही किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आता है, तब हम लोग कहेंगे the continuous rain has flooded the entire area, मतलब जो लगातार बारिश हुई उसके कारण से पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो दोस्तों, ये रहा दोनों में डिफरेंसेस। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर इसे जरूर करेंगे, और हो सके तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।